लास्ट ईयर अगर आपने हॉस्टेजेस सीजन 1 देखी है और वो अच्छी लगी है तो आपको हॉस्टेजेस सीजन 2 देखनी चाहिए, और अगर 1 ही नहीं देखी तो देख लेनी चाहिए क्योंकि सीजन 2 में पहले से ज्यादा एक्शन, थ्रिल और एंटरटेनमेंट तीनों भर भर के हैं। ट्रेलर में ही पता चल गया था कि इस बार गेम पलट जाएगा, हुआ भी वैसे ही। पहले वाले सीजन में एक घर के अंदर हॉस्टेजेस थे और इस बार बाहर अनजान हिस्टोरिक कोठी पे जो कि मुगलों के समय की है। हॉस्टेज भी कोई और नहीं बल्कि सीएम केएल हांडा खुद है। दोस्तों कहानी के शुरुआत में दिखाया गया है सीएम केएल हांडा मर चुके हैं। इस झूठ की पुष्टि उनकी वाइफ किसी अननोन रीजन से करती है और सीएम का मरा हुआ मुंह किसी को देखने से मना करती है। शक होता है सीएम के हेड ऑफ सिक्योरिटी सुब्रमण्यम को और वो जान जाता है कि सीएम मरा नहीं। फॉरेन कंपनी जनरल इंटरनेशनल जो कि हांडा को मारना चाहते हैं वो सुब्रमण्यम से मिले हुए दिखते हैं और हांडा को वो खुद ही मारने के लिए सोर्स का पता लगा के हांडा का पीछा करते हैं और एक सुनसान जगह पे पुरानी कोठी के अंदर खुद सुब्रमण्यम उनके हाथ में फंस जाते हैं और बंदी बन जाते हैं। इन सब का मास्टरमाइंड होता है सेम एज प्रीवियस सीजन रिटायर्ड सीनियर पुलिस वाला पृथ्वी सिंह। वो अपनी बीवी सबा जो कि सीएम हांडा की नाजायज औलाद है उनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं हांडा को डोनर बना के, वो भी उस सुनसान पुरानी कोठी से। इस बीच एटीएस टीम लेड बाय चीफ कमलजीत सिंह उस कोठी को चारों ओर से घेर लेते हैं और पुलिस के तरफ से किडनैपर से नेगोशिएट करती है आयशा खान अपनी डिमांड मनवा के एटीएस से। क्रिमिनल जो कि एक्चुअली अफगान डॉक्टर है उनको भी छुड़वाने में कामयाब होते हैं पृथ्वी और ट्रांसप्लांट के बाद फिर डॉक्टर को रिहा भी कर देते हैं। पृथ्वी के पास अंदर सीएम हांडा छोड़ के सुब्रमण्यम, वाइफ सबा, सरा, सरा के हस्बैंड पीटर, ब्रदर इन लॉ अमन होते हैं। इधर एटीएस ने किसी को देखा नहीं इसलिए सब कोशिश करते हैं चुपचाप एक्सट्रैक्शन के लिए। पैरेलली दूसरी तरफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में शिखा खोज के निकालते हैं पृथ्वी के फादर इन लॉ ईमान शेख की मर्डर मिस्ट्री जिसे उनके सीनियर्स विश्वास ही नहीं करते। एक तरफ दिखते हैं हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी के चलते बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को हांडा के फ्यूनरल में मारने का प्लान करते हुए मुगल्स के टाइम की कोठी से सुरंग के रास्ते निकलने में क्या पृथ्वी सफल होते हैं या पकड़े जाते हैं, अपनी पहचान आखिर तक छुपाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्या सभा की तबीयत ठीक होती है, हांडा क्या बच पाते हैं और सभा के साथ रिलेशन का क्या होता है या पृथ्वी सरेंडर कर देते हैं, बांग्लादेश के पीएम क्या इंडिया में मर जाते हैं या शूटर पकड़ा जाता है, सारे जवाब मिलेंगे आधे घंटे वाले टोटल 12 एपिसोड्स के हॉस्टेजेस 2 में। दोस्तों अगर बात करें एक्टिंग की तो पृथ्वी के रोल में रोनित रॉय ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। हांडा के रोल में दालिप तहिल, एटीएस चीफ के रूप में कमलजीत सिंह पुराने साफ सुथरे खिलाड़ी हैं। आजकल तो सुंदर सुंदर विलेंस होते हैं, इस बार डिनो मोरिया जैसे हैंडसम हंक को नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत ही अच्छा लगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में शिखा के किरदार में श्वेता बासु प्रसाद रफ लैंग्वेजेस के साथ में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। अमन के रूप में आसिम गुलाटी और पीटर के रूप में अमित सियाल ने सही एक्टिंग की है। ड्रोन से लिए गए कुछ सीन्स तो बहुत ही कमाल की लगी, लाइटिंग और एडिटिंग में कोई सवाल नहीं उठा सकता, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक का जवाब नहीं। कहानी की तरफ जाए तो कई जगह पर क्रैश होती दिखती है, समझ में नहीं आई कि खंडर जैसे कोठी पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे पॉसिबल है, अजगर जैसे क्रिमिनल को इतनी जल्दी कैसे स्पॉट पर लाया जा सकता है और रिटर्न के टाइम पे एक आध सवाल करके कैसे छोड़ दिया गया। डिनो मोरिया को और कुछ सीन्स में दिखाया जा सकता था। अगर ओवरऑल की बात करें तो सीरीज के 3-4 एपिसोड्स आराम से चॉप आउट किया जा सकता था क्योंकि बीच बीच बहुत खींची चली जाती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ये सीरीज वन टाइम वॉच जरूर है, मैं इसे देता हूँ 3.5 out of 5। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।